नान खटाई मार्केट जैसा लग रहा है क्या? आप लोग जब बनाएंगे तभी तो बता पाएंगे ना कि इस प्रोसीजर से मार्केट का टेस्ट आया कि नहीं। मैं तोड़ के आप लोगों को ऐसे चूरा बना के दिखा रही हूँ, पूरा बिस्किट जैसा बना है। एक पीस चखिए ना। जय जगन्नाथ, अब सबका स्वागत है मेरी चैनल झेली स्पाइस बॉक्स में। दोस्तों आज चलिए बनाते हैं नान खटाई, जो कि आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट था, मैम जल्दी लाइए। उसको बनाने से पहले हम माइक्रोवेव को प्रीहीट करेंगे, तो कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हमें 15 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए छोड़ देना है। माइक्रोवेव पूरा खाली है, क्योंकि जो प्रीहीट होता है वो खाली माइक्रोवेव को ही किया जाता है। तो दोस्तों माइक्रोवेव प्रीहीट हो रहा है, चलिए हम मिक्सचर बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम अनसल्टेड बटर लिया है। ऐसा नहीं है, आप सल्टेड बटर से भी कर सकते हैं। और मैंने जानबूझ के ये 100 ग्राम का पैकेट इसलिए लिया क्योंकि ये मेजरमेंट के कप से नापना, बटर कभी कभी क्या होता है रूम टेम्परेचर में नहीं होता है तो अंदाजे से गलत हो जाता है, तो उस वजह से मैंने ये पूरा क्यूब ही ले लिया है, जो कि आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी मेजरमेंट में आसान होगा। इसके साथ 1/3 कप हम पिसी हुई चीनी लेंगे। अब बारी आती है दोस्तों हाथ की एक्सरसाइज की, मतलब हमें इसको फेंटना है। चाहे आप इलेक्ट्रिक बीटर से फेंटे, या ऐसे चम्मच से, या फिर हैंड विस्कर से, किसी से भी आप फेंटे, आपको बस फेंटना है कॉन्टिन्यूस 5 मिनट के लिए। ये देखिए, और एक चीज का ध्यान और रखिए, बटर हमेशा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको बस 10 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं। दोस्तों अभी देखिए, मेरा अगर मेरा बटर रूम टेम्परेचर पे था, उसी लिए 5 मिनट बाद कितना अच्छा मेरा बटर फ्लफी हो गया है। चीनी के साथ मिक्स होके फेंटते फेंटते उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया है, और उठा के देख रही हूँ तो बहुत फ्लफी है, बहुत हल्का भी फील हो रहा है। बस अभी हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है। अभी इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाने की बारी। तो एक छलनी रखेंगे, उसमें 1 कप हम मैदा डालेंगे। 1 कप मैदे के साथ 1 बड़ा चम्मच बेसन, और उसके साथ 1 बड़ा चम्मच सूजी। चाहे आप केक बनाएं या कुकीज, आपको मेजरमेंट कप और स्पून हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। और अब बारी है नमक की, जो कि मीठा को एनहांस करके लेके आता है। 1/4 छोटा चम्मच नमक, लेकिन हाँ, अगर सॉल्टेड बटर यूज कर रहे हैं तो नमक की जो पार्ट है उसको स्किप कीजिए। अभी हम इसको अच्छे से छान लेंगे। दोस्तों बेसन और सूजी अगर मिलाएंगे तभी आपको मार्केट का टेस्ट आएगा। बिना बेसन सूजी का भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट का टेस्ट चाहिए तो मिलाना तो पड़ेगा। अब इसको हमें मिक्स करना है। इसमें ना कोई पानी ना कोई दूध, कुछ नहीं ऐड करेंगे, बस बटर के साथ हमें इसको मिक्स करना है। चम्मच से तो मैं मिक्स कर रही हूँ, लेकिन बिना हाथ का आटा लगाना थोड़ी ना होता है। तो बस दोस्तों अभी इसको मैंने हल्के हाथ से चम्मच से मिक्स कर लिया है। अभी चलिए हाथ की बारी। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। अब देखिए कितनी जल्दी हो जाएगा। जब आटा का डो बनता है ना, वो चाहता है प्यार, और वो प्यार तो हाथ से ही मिलता है। क्यों, सही कहा ना, उसीलिए तो रोटी हो या पूरी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हाथ से हम गूंथते हैं। अब देखिए हमारा जो डो है वो तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को इस मेजरमेंट से थोड़ा सा नरम लगे तो आप इसमें 1-2 चम्मच मैदा और डाल सकते हैं। मेरे लिए ये जो मेजरमेंट है ये परफेक्ट है। अभी हम मैंने बटर पेपर से मेरा जो बेकिंग ट्रे है उसको लाइन कर दिया है, और छोटी छोटी जैसे पूरी जैसा, मतलब पूरी जितना लोई मैं छोटी छोटी ले रही हूँ, और आप हाथ से देख रहे हैं सिंपल, जैसे बेलने से पहले हम गोला बनाते हैं वैसे ही बेल रही हूँ, मतलब गोला बना रही हूँ। अब मैं एक आपको दिखाती हूँ पूरा नजदीक से। ये देखिए दोस्तों, गोला बनाया, और ये जैसे ऐसे हो गया ना, उसको बस हल्के हाथ से दबा देना है ऐसे, या फिर आप नहीं भी दबाएंगे तब भी चलेगा। पहले थोड़ा सा ही बेक करते हैं। तो
तो इसको सजाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता यूज किया है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, कुछ भी आप डाल सकते हैं। और बिना कुछ डाले भी आप इसको मतलब बेक कर सकते हैं, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। बस दोस्तों, सारी ननखटाई सच के तैयार हो गए हैं अपने माइग्रेव में जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। माइक्रोवेव भी प्री हीट हो गया है, जैसे ही टाइमर खत्म होता है तुरंत माइक्रोवेव के अंदर डालिए, वरना क्या होता है माइक्रोवेव एकदम से प्री हीट से ना कूलिंग टेम्प मतलब कूलिंग पे आ जाता है, रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। तो नान खटाई अंदर रख के 180 डिग्री पे इसको हमें 20 मिनट के लिए सेट करना है। जो बोश माइक्रोवेव है मुझे इसमें 20 मिनट लगा, लेकिन जो दूसरे माइक्रोवेव होते हैं या किसी किसी के माइक्रोवेव पे टेम्परेचर मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से आप 17-18 मिनट भी सेट कर सकते हैं या 20 से 22 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा भी लग सकता है। तो आप चेक कर मतलब 20 मिनट में दिया है, लेकिन आप चेक करके एक्स्ट्रा 2 मिनट भी बेक कर सकते हैं या फिर 2 मिनट पहले भी निकाल सकते हैं। इतना सब कुछ बताते बताते नान खटाई भी बन गई। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और मैं जब बता रही थी ना, दूसरे हाथ से जो दूसरा जो बाकी जो डो बचा था उससे मैं नान खटाई बना चुकी थी। अब इसको भी हम उसी बेकिंग ट्रे पे रख देंगे, क्योंकि ऑलरेडी माइक्रोवेव प्री हीट है, हमें दोबारा करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, पहली बार मैंने कम रखा था, लेकिन दूसरी बार ज्यादा रख रही हूँ, क्योंकि माइक्रोवेव बहुत गर्म है, आराम से हो जाएगा। तो चलते हैं। फिर से वैसे ही दोस्तों, इसको भी हमें वही 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे वही 20 मिनट के लिए ही सेट करना है। टाइमर सेट हो गया है, इसको होने देते हैं। जो बाकी बन गया है चलिए उसको एंजॉय करते हैं। ये देखिए दोस्तों, पीछे से हल्का सा ब्राउन, जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसको एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं और कितना दिन एंजॉय कर सकते हैं। मेरे घर पे तो बना कि नहीं एक दो दिन में खत्म, क्योंकि पूरा मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों खत्म करने के लिए पूरी तैयार होते हैं। एक डब्बे में मैं ये सजा रही हूँ, किस लिए बताऊँ, बहुत से त्योहार होते हैं और आजकल बाहर की मिठाई या कुकीज देने के बदले हम अगर घर का दें तो, और ऐसे जो प्लास्टिक का डब्बा आजकल बहुत ज्यादा आता है, कोई खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं या दही लाओ कुछ भी लाओ, ऐसे डब्बे घर पे बहुत होते हैं। इसी में हम कुछ नान खटाई रख के ये फ्लावर से हम इसको सजा देंगे या फिर गिफ्ट पैक कर देंगे। ये फ्लावर आपको स्टेशनरी शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों इसको ऐसे ही बस सेलो टेप से लगा दीजिए, बन गया तैयार बेकरी स्टाइल में। जैसे लग रहा है कि कोई बेकरी की शॉप से ही हम लोग गिफ्ट लेके आए हैं, ऐसे ही फील हो रहा है ना। एक तोड़ के भी देख लीजिए अंदर से कितना क्रंची बना है। ये देखिए दोस्तों कितना क्रिस्पी लग रहा है ना। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं उसका ना एक जो चूरा बना के दिखा रही हूँ, जैसे बिस्किट का चूरा होता है पूरा वैसे ही आएगा। ये देखिए, अच्छा ये एक पीस जो टूटा हुआ है ना, इसको आप चखिए।